रंजन विवादों में है। आलोक रंजन पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भोजन करने और हाथ धोने का आरोप है। मामला मंगलवार का है, जब आलोक रंजन अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें मंदिर परिसर में ही भोजन परोस दिया। मुख्य सचिव ने मंदिर में खाना तो खाया और वहीं पर हाथ भी धो डाले। हमें रात्रि के में पता नहीं चला कि जिस समय प्रातः मंदिर में आए थे उस समय पता चला कि कुछ व्यक्तियों को मंदिर में भोजन करवाया गया है। तो उसके संबंध में हमने मंदिर प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष और मंदिर प्रबंध कमेटी के उपाध्यक्ष और उन्हीं सदस्यों के संबंध में सबको जानकारी से अवगत कराया था। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन चौबे फोनलाइन पर मौजूद हैं। विपिन, मुझे ये बताइए, क्या आलोक रंजन को ये नहीं पता कि साल 2004 में ही मथुरा की अदालत ने मंदिर परिसर में भोजन करने पर रोक लगा रखी है? देखिए, ये बात भले ही आलोक रंजन को पता हो या ना पता हो, लेकिन जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं और वहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, उन्हें ये बात जरूर कन्वे करनी चाहिए थी। और अगर उन्होंने कन्वे किया है, उसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो ना सिर्फ न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है बल्कि मंदिर का जो कानून है उसका भी उल्लंघन है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ देर पहले वहां पर राष्ट्रपति भी गए थे, लेकिन राष्ट्रपति को इसी नियमों के तहत ये सारी चीजें करने नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब मंगलवार को अपने परिवार के साथ मथुरा दौरे पर वो पहुंचे हुए थे, तो उन्हें किस नियम के तहत ये छूट दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और विपिन, एक बात ये बताइएगा, क्या ये भी खबर बिल्कुल ठीक है कि ये सब कुछ करवाया है गोस्वामी, जुगल गोस्वामी ने, जो पहले भी भगवान भाग्य बिहारी मंदिर जी को हाईटेक श्रृंगार कर विवाद को जन्म दे चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मंदिर के पुजारी वही हैं और उन्हीं के देखरेख में ये सारी चीजें होती हैं। अगर मंदिर का पुजारी नियमों को जानता है, क्योंकि वो रोजाना वहां पर बैठ रहे हैं और उनको अच्छी तरह से जानकारी है कि न्यायालय का आदेश क्या है और वहां पर क्या अलाउ करना है और क्या नहीं करना है, उसके बावजूद अगर मुख्य सचिव को नियमों में ढील दी गई है, तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर क्या मुख्य सचिव के नियम अलग हो सकते हैं। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट के लिए आगे बढ़ेंगे बिहार।